एक पॉइंट है, यूजुअली क्या होता है कि जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है। डेंसिटी हमने पढ़ा था मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर 1 यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब हम कोई सॉलिड लेते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब हम कोई लिक्विड लेते हैं, ठीक है, तो क्या है, उन दोनों का मास चेक करना है आपने। जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कोई सॉलिड, लेट अस सपोज ये चॉक लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई लिक्विड, लेट अस सपोज वाटर लिया, ठीक है, तो आपने उन दोनों का मास चेक करना है। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। और मैंने बताया था मास किसका ज्यादा होगा, जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसका मास ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है चॉक सॉलिड है, उसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब चॉक में ज्यादा पार्टिकल्स होंगे एज कम्पेयर टू 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, वाटर के कंपेरिजन में, ठीक है, उधर कम पार्टिकल्स होंगे तो चॉक की डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर से। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस लें, तो उस केस में आपके आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, और उसी वजह से आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। मैंने पहले भी बताया था जिसकी डेंसिटी कम होगी वो दूसरे सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसके ऊपर फ्लोट कर सकता है। मतलब आइस वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, इसका मतलब वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा है। उल्टा नहीं हो गया? आइस सॉलिड है, ठीक है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम है जो लिक्विड है, उसका रीजन देखेंगे, ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आइस का स्ट्रक्चर। जब हम आइस का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि आइस का स्ट्रक्चर केज के जैसा होता है, पिंजरा होता है। जैसे पिंजरा क्या होता है, बाहर बार्स होती है, आयरन बार्स, लेकिन बीच में वेकेंट होता है, ठीक है। तो आइस का स्ट्रक्चर केज जैसा है, इट हैज केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें वेकेंट स्पेसेस है, ठीक है, बार्स, ठीक है, मतलब जिसमें जो आइस भी ऑब्वियसली H2O का बना है, जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड हैं कि बीच में एम्प्टी स्पेस आ जाता है, ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर है। उसकी वजह से आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम वाटर लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम आइस लें, तो आइस में कम पार्टिकल्स आते हैं क्योंकि वो पार्टिकल्स केज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसलिए आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ओके, सो अगर आपको याद है मैंने स्टेट को कंपेयर किया था अपने साथ। मैंने बोला था जिस तरह मैटर की 3 स्टेट्स हैं उस तरह मेरी भी 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। अगर मैं लेट जाता हूँ एक स्टेट, बैठ जाता हूँ दूसरी स्टेट, खड़ा हो जाता हूँ तीसरी स्टेट, ठीक है, तो क्या मैं अपनी स्टेट चेंज कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। मैं खड़ा हूँ, मैं इस बैठ जाऊंगा दूसरी स्टेट आ जाएगी, लेट जाऊंगा तीसरी स्टेट आ जाएगी। तो जिस तरह मैं अपनी स्टेट चेंज कर सकता हूँ उसी तरह मैटर भी अपनी स्टेट चेंज कर सकता है बहुत इजीली। ओके, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो मैटर की स्टेट को चेंज करने में हेल्प करता है वो है टेम्परेचर। तो आज हम टेम्परेचर का रोल स्टडी करेंगे स्टेट को चेंज करने के लिए। ओके, इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ अपरेटस चाहिए, ठीक है। उस अपरेटस की हेल्प से हम इजीली एक्सप्लेन कर देंगे इस पॉइंट को। लेट अस सपोज हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने आइस क्यूब रखी है, ठीक है। लेट अस सपोज 150 ग्राम आइस क्यूब लिया आपने, उसके साथ उस बीकर के साथ हमने थर्मामीटर अटैच किया है कि थर्मामीटर का जो बल्ब है वो आइस को टच कर रहा है, ठीक है, और उस बीकर को स्लोली आपने हीट करना है। ऑब्वियस है जब आप बीकर को हीट करेंगे तो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट होगी तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, लिक्विड वाटर वहां पे फॉर्म हो जाएगा। ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये आपने प्रॉपर इसको ऑब्जर्वेशन के साथ करना है, ठीक है। आपने टेम्परेचर की रीडिंग को नोट करना है और आइस के मेल्टिंग के प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आइस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन इक्वल है, इस टेम्परेचर पर आपकी आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस कोई और ये जो टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट आइस के लिए ये फिक्स्ड है। हर सब्सटेंस का अपना एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। किस जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट होता है उसी को उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक
ठीक है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट ये वैल्यू मैंने आपको बता दी और ये फिक्स्ड है। ये मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मतलब हर सब्सटेंस का अपना एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हमें किसी सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करता है। कोई सब्सटेंस इतने टेम्परेचर पे मेल्ट कर रहा है, इसका मतलब वो आइस है, ठीक है। इस तरह कोई और सॉलिड का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, उस टेम्परेचर पे अगर वो मेल्ट करता है तो ठीक है, वो सब्सटेंस वही है। अगर कोई सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं कर रहा, जैसे हमारे पास लेट अस सपोज कोई सब्सटेंस है, हम चेक करना चाहते हैं आइस है या नहीं, हमने मेल्ट किया, इस टेम्परेचर पे मेल्ट हो गया मतलब आइस है, इस टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं हुआ मतलब आइस नहीं है, ठीक है, या फिर आइस में इम्प्योरिटी है। तो इसी तरह आपका मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस को कैरेक्टराइज करने में हेल्प करता है। वन मोर थिंग, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने वाले प्रोसेस को हम फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, फ्यूजन भी बोलते हैं इसको। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है इस बारे में, इस प्रोसेस के बारे में, जब आपने ये प्रोसेस परफॉर्म किया तो आप नोटिस करेंगे, आइस देखो 150 ग्राम थी, मेल्टिंग शुरू हुआ 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, ऐसे मेल्टिंग शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरा मेल्ट हो गया, ठीक है। आइस का जो पूरा मेल्टिंग का प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्या मतलब है इसका, लेट अस सपोज जब आपने प्रोसेस शुरू किया टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस, आपने हीट किया, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस, -0.5, -0.4, -0.3, मतलब टाइम के साथ हीट हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, -0.2, -0.1, माइनस खत्म हो गया, अब 0 आ गया, ठीक है। जैसे ही 0 डिग्री पर पहुंचेगा, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। कब तक फिक्स रहेगा, जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा, जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन आइस मेल्टिंग के प्रोसेस में, लेट अस सपोज आइस मेल्टिंग के प्रोसेस में 1 मिनट लगा, उस 1 मिनट में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जब आइस मेल्ट होती है उस टाइम पे टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपने आइस को मेल्ट करना स्टार्ट किया, पहले -2 डिग्री था, थोड़े टाइम के बाद -1, -0.5, ठीक है, जैसे 0 डिग्री पहुंचेगा आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा टेम्परेचर फिक्स रहेगा 0 डिग्री। जब मेल्ट हो जाएगा उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बट उस प्रोसेस में टेम्परेचर फिक्स रहता है। ओके, अब इस प्रोसेस को समझेंगे। जब आप आइस को मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो आइस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आप हीट कर रहे हैं तो आइस के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मोशन में आ रहे हैं, ठीक है, मोशन में आ रहे हैं, ठीक। और जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है उस टाइम पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग, मतलब जितनी भी एनर्जी है वो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाने में यूज हो जाएगी, ठीक है, मतलब -2 से 0 तक पार्टिकल्स की एनर्जी भी बढ़ रही है और पार्टिकल्स दूर भी जा रहे हैं। लेकिन 0 डिग्री के पे पहुंचने के बाद सारी की सारी एनर्जी पार्टिकल्स को दूर लेकर जाने में यूज्ड अप हो जाएगी, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि -2 से लेकर 0 तक ज़्यादा एनर्जी पार्टिकल्स की मोशन में यूज़ हो रही है, स्पेसिंग का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन जब 0 पे पहुँच जाते हैं तो सारी की सारी एनर्जी पार्टिकल्स को दूर लेकर जाने में यूज़ हो जाती है, ठीक है, और वो एनर्जी जो है, हीट तो मिल रही है, वो हीट जो है पार्टिकल्स के अंदर ही हाइड हो जाती है, ठीक है। तो हाइड होने के लिए वर्ड आता है हमारे पास लेटेंट, लेटेंट वर्ड का मतलब ही है हाइड होना। तो यानी यहाँ पे जो हीट है वो हाइड हो रही है, इसलिए जो हीट हाइड हो रही है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atmosphere जो प्रेशर होता है उसको फिक्स रखना है। 1 kg आइस लिया या कोई भी सॉलिड लिया, उसको चेंज करना है लिक्विड में, तो जितनी भी हीट यूज होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बार रिपीट करूंगा, आगे वाला प्रोसेस बहुत इजी है। -2 डिग्री पे आइस था, ठीक है, मेल्ट हीट करना शुरू किया, 0 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और 0 पे पूरा मेल्ट हो गया। -2 से लेकर 0 तक जो एनर्जी यूज हो रही है वो पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ा रही है, और 0 पर आकर जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रही है, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। तो 0 डिग्री पर सारी की सारी एनर्जी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रही है और जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स में ही स्टोर हो जाती है, ठीक है, पार्टिकल्स में स्टोर हो जाती है और वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की फॉर्म में हम उसको उस एनर्जी को, उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारी जगह पूछा जाता है। ओके, सो ये आपका मेल्टिंग वाला पॉइंट खत्म हो गया। अच्छा, अगर आप वाटर को आइस में चेंज कर दें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग, और वो भी 0 डिग्री पर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वही अपरेटस माइंड में रखना है, आपने आइस को मेल्ट करके वाटर बना दिया, अब उसको हीट करना शुरू करेंगे। एक पॉइंट आएगा जब वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो पॉइंट या उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर के लिए? 373 केल्विन, या बोल सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह जब आइस मेल्ट होती है उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसी तरह जब वाटर वेपर में चेंज होता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर ये सारा प्रोसेस होगा, उस पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आपने वाटर को हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, 100 डिग्री पे पहुंचने के बाद टेम्परेचर फिक्स्ड हो जाएगा जब तक पूरा का पूरा वाटर पेपर में ना चेंज हो जाए, और फिर फाइनली बाद में फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट जब तक पूरा वाटर पेपर में चेंज नहीं होता तब तक टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी थोड़ी सी हीट गायब हो रही है, हम हीट तो कर रहे हैं बट वो हीट टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज नहीं हो रही, ठीक है। जो हीट टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रही या टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। और ये प्रोसेस कौन सा है? लिक्विड को वेपर में चेंज करने वाला प्रोसेस, इसलिए इस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बहुत ही सिंपल सा है ये भी, बिल्कुल एज इट इज इसके जैसा ही है। ओके, एक और वर्ड है यहाँ पर, बल्क। बॉइलिंग जो है बल्क प्रोसेस है, बॉइलिंग क्या है? बल्क प्रोसेस, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड जो आपने लिया होगा वो पूरा का पूरा लिक्विड बॉइल हो सकता है, ठीक है। ऐसा वर्ड, ये वर्ड क्यों यूज किया है ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है जब हम इवेपोरेशन को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और है, फिर हम कंक्लूड करेंगे। सब्लिमेशन क्या है? देखो, अभी तक आपने देखा, आपने आइस लिया, उसको हीट किया, लिक्विड बन गया, ठीक है, हीट किया, वेपर बन गया, ठीक। अब कुछ सब्सटेंस थे वो थोड़े चलाक थे, ठीक है, हमने क्या किया, हमने आयोडीन लिया, आयोडीन को रख दिया, आयोडीन वायलेट कलर का होता है, ठीक, उसको हीट करना शुरू किया। हमें पता था, हम तो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, हमें सब कुछ पता था ये आयोडीन अभी लिक्विड में चेंज होगा। हम बैठ के देख रहे थे कि आयोडीन अभी लिक्विड में चेंज होगा, उसके बाद आयोडीन के वेपर्स बनेंगे, तो हम बैठ के आराम से देख रहे हैं। लेकिन आयोडीन था चराक, उसने क्या किया, वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो गया। हम बस देखते रह गए। तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयोडीन, नैप्थलीन, कैम्फर, ये सब क्या है, ये डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। जब कोई सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब सॉलिड है आयोडीन, ठीक है, ये है हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क, थोड़ा छोटा सा है ये, बन पाएगा यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क। इसमें आपने आयोडीन रखा हुआ है और ऊपर से स्टॉप कॉक लगाया, ऊपर से बंद किया है, ठीक है। आयोडीन वायलेट कलर का होता है, जब इसके वेपर्स बनेंगे वेपर्स भी वायलेट कलर के होंगे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आप जब भी लैब में जाएंगे, जब आपको मौका मिलेगा, अपने टीचर के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखना, बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब आप आयोडीन ना स्मॉल स्मॉल बॉल्स की फॉर्म में मिलता है लैब में, आप उसको रखेंगे यहाँ पर और स्टॉप कॉक लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हीट करो या ना भी हीट करो, ऐसे ही रख दो, ठीक है, जो आपका रूम टेम्परेचर है, ठीक है, उस टेम्परेचर को यूज करके ही आयोडीन जो है वो वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और वेपर जो है वायलेट कलर के दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वेपराइज होने के बाद वेपर्स जब वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं कॉनिकल फ्लास्क की, तो वहां पर वापस कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो वेपर्स बनते हैं उन वेपर्स को हम बोलते हैं सबलाइम, ठीक है, और उसके बाद जब वॉल्स के पे जाके वो कंडेंस हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं सब्लिमेट,
ठीक है, तो वेपर्स को हम सब्लाइम बोलते हैं, और जब वॉल्स पे जाके कंडेंस होंगे मतलब वापस सॉलिड बन जाएगा, उस सॉलिड को हम बोलेंगे सब्लिमेट। तो ये दो वर्ड्स थे, सब्लाइम और सब्लिमेट, तो आपके काम आ सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। वन मोर पॉइंट बॉइलिंग से रिलेटेड, लिक्विड को वेपर में चेंज करने के प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं, वेपर को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये वर्ड भी आप माइंड में रखना। ठीक है, सो इतना ही करेंगे इस लेक्चर में आज हम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।